दोस्तों आज के इस वीडियो में करने वाला हूँ ज़ियुंग स्मूथ क्यू 3 एक्सिस स्टेबिलाइजर की अनबॉक्सिंग। तो बिना टाइम ना गवाए शुरुआत करते हैं इस अनबॉक्सिंग की। दोस्तों तो ये है ज़ियुंग स्मूथ क्यू 3 एक्सिस स्मार्टफोन स्टेबिलाइजर। तो ये है इसका फ्रंट पैनल और इसके बैक पे आते हैं तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा डायरेक्ट मोबाइल चार्जिंग थ्रू गिम्बल, मतलब आप अपने मोबाइल को डायरेक्टली चार्ज कर सकते हैं गिम्बल के मदद से। इधर आता है इंस्टेंट मैनुअल जूमिंग कंट्रोल, तो आप गिम्बल से ही जूम इन जूम आउट कंट्रोल कर सकते हैं। इधर लिखा मिल जाएगा आपको 12 आवर्स कंटिन्यूस वर्क टाइम, मतलब आप इसको लगातार 12 घंटे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है टू वे माउंटिंग फ्रेम फॉर इजी स्विच, आप इसको हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल में भी इसको यूज़ कर पाएंगे। इसके अंदर आपको एक यूएसबी केबल मिलेगा और एक पाउच मिलेगा शायद, और ये जो मैंने ख़रीदा है वो है जेट ब्लैक वेरिएंट। यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा ये है मेड इन चाइना, और इसको आप स्कैन करके एक आपको ऐप का लिंक मिलेगा उसको डाउनलोड करके आप बहुत ही अच्छे से यूज़ कर पाएंगे इस गिम्बल को। तो बिना टाइम ना गवाए खोलते हैं और करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो ऐसा कुछ मिल जाएगा डब्बा, तो इसको मैं ऐसे रखता हूँ। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक पाउच में गिम्बल, तो इसको हम रखते हैं फिलहाल साइड में। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा यूज़र गाइड, इसके अंदर आप इसको ज़रूर पढ़िएगा, आपको नहीं तो ये गिम्बल यूज़ करना बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। इसको भी रखते हैं साइड में। और इधर आपको यहाँ पे आपको मिलेगा यूएसबी केबल, इससे आप अपने गिम्बल को चार्ज कर सकते हैं, या फिर आप उसको गिम्बल को अपडेट करना है उसका फर्मवेयर, तो आप इस केबल से उसको अपडेट कर पाएंगे बाय कनेक्टिंग टू पीसी। तो इसको रखते हैं साइड में। और इधर आपको मिलेगा ये कैरी करने के लिए शायद, तो इसका यूज़ मुझे अभी फ़िलहाल में पता नहीं है, तो इसको रखते हैं साइड में। तो इस सबको रखते हैं हम साइड में और लाते हैं अपना मेन कंटेंट सामने। तो ये है हमारा मेन कंटेंट, तो इसको हम प्लास्टिक से बाहर निकालें। और ये पाउच आपको प्लास्टिक का मिलेगा, पर ये पाउच की क्वालिटी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, तो ये पाउच को हम करते हैं ओपन। दोस्तों तो ये है हमारा गिम्बल, तो यहाँ पे आप इसकी, ये प्लास्टिक से बना है, आप इसकी बिल्ड क्वालिटी देख सकते हैं, बहुत ही प्रीमियम है और बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी है इसकी। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे मोड्स और बटन मिल जाएंगे, तो पहला बटन आता है ये पावर ऑन और पावर ऑफ बटन, इससे आप इस गिम्बल को पावर ऑन कर सकते हैं या फिर पावर ऑफ कर सकते हैं 3 सेकेंड तक लगातार दबाने के बाद। यहाँ पे है जूम इन बटन और जूम आउट बटन। यहाँ पे आपको मिलता है ये 3 मोड्स का बटन, इसको आप एक बार दबाएंगे तो फर्स्ट मोड में आएगा, 2 बार दबाएंगे तो सेकेंड, और जैसे ही थर्ड बार दबाएंगे तो ये थर्ड मोड में आ जाएगा। और ये है इसको रोटेट करने का, आप अगर इसको घुमाएंगे तो ये रोटेट होता रहेगा। तो मैं पावर ऑन करता हूँ इस गिम्बल को, तो ये गिम्बल पावर ऑन हो चुका है, आप देख सकते हैं। दोस्तों मैंने स्मूथ क्यू गिम्बल में लगा दिया है अपना ओप्पो रियलमी 1 स्मार्टफोन। तो आपको इस गिम्बल को पावर ऑन करना है, तो यहाँ पे आपको रेड कलर का बटन दिखेगा, उसको आप 3 सेकेंड्स तक प्रेस करेंगे तो ये पावर ऑन हो जाएगा। तो जैसे ही आप इसको पावर ऑन करेंगे तो इसका फर्स्ट मोड रहेगा वो है ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा, वो है पैन मोड। तो पैन मोड में आप इसको लेफ्ट एंड राइट घुमा सकते हैं, पर अप एंड डाउन नहीं घुमा सकते, जैसे आप देख सकते हैं। गिम्बल के फर्स्ट स्पेस को, जो कि इसका जहाँ पे इसके सारे बटन है, उसको मैं जहाँ भी लेफ्ट एंड राइट लेके जाऊँगा ये वो साइड घूमेगा, पर अगर मैं इसको अप एंड डाउन करूँगा तब ये नहीं मूव होगा।
और मोड को दो बार दबाने के बाद ये आ जाएगा फॉलोइंग मोड में। फॉलोइंग मोड में आप इसको ऊपर करेंगे तो ऊपर जाएगा और नीचे करेंगे तभी नीचे भी जाएगा और लेफ्ट एंड राइट तो उसका जाएगा ही जाएगा। और अगर आप इसको तीन बार दबाएंगे तभी आ जाएगा सेल्फी मोड में। ये मोड ब्लॉगर्स के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ज़्यादातर स्मार्टफोन में आपका बैक कैमरा ही बेस्ट रहता है, तो इसलिए आप इसको ऐसे करके ब्लॉगिंग कर सकते हैं, नहीं तो आप सेल्फी भी इस गिम्बल से ले सकते हैं। तो मैं आपको कुछ फुटेज दिखाता हूँ, उस पर आप जज करिए कि एक फ़ोन विदाउट एनी गिम्बल और एक फ़ोन विथ गिम्बल कैसा लगता है एक्सपीरियंस। दोस्तों तो आप देख सकते हैं मैं दोनों ही वीडियोस में चल रहा हूँ, और जैसे फर्स्ट वाले में आप देख सकते हैं विद स्मूथ क्यू के साथ है तो वो कितना प्रोफेशनल लग रहा है, और दूसरी तरफ विदाउट स्मूथ क्यू है वो कितना अनप्रोफेशनल लग रहा है और कितना शेकी वीडियो है। दोस्तों आप जैसा देख सकते हैं विदाउट स्मूथ क्यू वीडियो बहुत ही शेकी है और विथ स्मूथ क्यू कितना स्टेबलाइज्ड है, जबकि मैं दोनों में ही दौड़ रहा हूँ। दोस्तों तो ये स्मूथ क्यू गिम्बल आपको Amazon और Flipkart दोनों जगह पे अवेलेबल मिल जाएंगे। ये आपको चार कलर वेरिएंट्स के ऑप्शन में मिलेंगे जो कि है रोज, गोल्ड, सिल्वर और जेट ब्लैक। तो अगर आप अपने फ़ोन से व्लॉगिंग करते हैं तो मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट करता हूँ कि आप इसे परचेस करिए, और मैं आपको इसकी परचेज लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब करिए और उस बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।